नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। प्रसपा के मीडिया प्रभारी चिंता पांडे ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि बीते दिनों चिंता पांडे को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूबी प्रसाद द्वारा मीडिया प्रभारी घोषित की गई थी। आज नामांकन के दौरान पत्रकारों को अपमानित किए जाने से नाराज होकर मीडिया प्रभारी पद से अपना त्याग दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूबी प्रसाद के चुनाव प्रचार से कोई लेना देना नहीं है और एक पत्रकार की भूमिका में समाज के प्रति मेरी भागीदारी पूर्व की भांति रहेगी। समर्थकों संग पहुंची रूबी प्रसाद ने दाखिल किया नामांकन। आपको बता दें कि सोनभद्र में 23 अप्रैल को सांसद प्रत्याशी रूबी प्रसाद ने अपना नामांकन जिला अधिकारी कार्यालय सोनभद्र में किया दाखिल। लोगों में बहुत उत्साह दिखी। रूबी प्रसाद का क्षेत्रीय व्यक्तित्व होने के कारण सोनभद्र की जनता में काफी उत्साह दिखी। रूबी प्रसाद ने लगभग 3:30 बजे नामांकन पर्चा भरने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय में आगमन किया। सकुशल नामांकन हो जाने के बाद वह अपने कार्यालय पर लोगों को संबोधित किया तथा नामांकन के पूर्व प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपने मूलभूत सिद्धांतों को बताया तथा समस्त क्षेत्र के मतदाताओं से अपील किया कि क्षेत्र व्यक्तित्व को भारी से भारी बहुमतों से विजयी कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाएं। एक महिला प्रत्याशी जो दुद्दी की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, सुझारू कर्मष्टभा प्रतिभाशाली हैं तथा सांसद बनकर सोनभद्र की सेवा करना चाहती हैं। मॉडर्न कन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती सोनाली सिंह अच्छी शिक्षा देने के प्रयास में जुटी। आपको बता दें कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, ऐसी सोच रखती हैं मॉडर्न कन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती सोनाली सिंह। अच्छी शिक्षा देने के प्रयास में जुटी हुई हैं, अपनी इस सोच को साकार करने में लगी हैं। वहीं विद्यालय के प्रबंधक श्री राजेश सिंह द्वारा गरीब निर्धन बच्चों को विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी छोटे कक्षाओं के बच्चों को शिक्षण हेतु निःशुल्क पठन पाठन की सामग्री पुस्तक आदि की वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के अन्य पदाधिकारी सदस्य अचल श्रीवास्तव साबिर सर तथा रामानंद मिश्रा आदि उपस्थित थे। और आगे भविष्य में और अगर हमारी सामाजिक सहायता या सरकारी सहायता इसे मिलती है तो हम बच्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये 2017 से अभी तक सर कितने बच्चे लगभग सर आपने दूध दे दिए? ये गोद लिया है 8 बच्चे लिए। आपका नाम? आप किस स्कूल में किस पद से कार्यरत हैं? किस पद पे कार्यरत है इस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो आई वांट टू से दैट आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस आई वांट अदर इंस्टीट्यूशन आल्सो टू टेक सच इनिशिएटिव। जैसे कि सर ने बताया कि 2017 से बच्चों को गोद लिया जा रहा है, तो 2017 से लेकर 2000 ये चल रहा है, तो ये कितने बच्चे अभी तक आपने अपॉर्ट किए हैं? 2017 से लेकर 2009 तक 2019 तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज।